खबर मध्य प्रदेश के सिरोंज से है, जहां सोमवार दोपहर को मध्य प्रदेश शासन सामाजिक न्याय और निःशक्त जन कल्याण विभाग ने मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया। बता दें कि इस सम्मेलन में 57 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। सिरोंज में एक ही परिसर में 32 विवाह और 25 निकाह एक ही परिसर में हुए। बता दें कि इस दौरान नगर पालिका ने टेंट, विवाह मंडप, खाने आदि की सभी व्यवस्था की थी। वहीं आयोजन में SDM हर्षल चौधरी, CMO पवन शर्मा, जनपद CEO वंदना शर्मा और अन्य शासकीय अमला व्यवस्थाएं बनाने और निरीक्षण में जुटा रहा। इस दौरान मंच पर नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष और अनेक जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। वहीं शासन की ओर से वधू को 49,000 रुपए का चेक भी दिया गया। सिरोंज से अक्षय कुमार अहिरवार की रिपोर्ट। आज सिरोंज ब्लॉक के सामूहिक विवाह सम्मेलन एवं निकाह सम्मेलन में कुल मिलाकर 57 जोड़ों का विवाह एवं निकाह संपन्न हुआ है। इसमें 32 विवाह हैं और 25 हमारे निकाह आयोजन संपन्न हुए हैं और सभी वधुओं के नाम पर शासन की ओर से 49,000 रुपए का चेक इनको वितरित किया जा रहा है। हाँ, जिले में सारे ब्लॉक्स में अगर देखा जाए तो सिरोंज में सर्वाधिक 57 फॉर्म्स प्राप्त हुए हैं, 57 जोड़ों का निकाह या विवाह संपन्न हुआ है। बाकी सभी ब्लॉक्स में काफ़ी कम आवेदन आए थे, इस बार समय कम मिला था, उस वजह से अल्प समय में आवेदनों की संख्या कम है। हालांकि सिरोंज में इसके पहले जब विवाह हुए हैं तो हमने लगभग 200 के आसपास जोड़ों का निकाह करवाया है। हमारे मध्य प्रदेश से सभी मुख्यमंत्री जी ने संपूर्ण मध्य प्रदेश आज के दिन सभी समाजों, चाहे मुस्लिम समाज हो, सभी के मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत मुख्यमंत्री निकाय योजना